अब तो डिजिटल प्लानिंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी स्टार्ट हो गई जनाब, कैमरास लग गए हैं और कैमरा के थ्रू चलान हो रहे हैं। मैंने चलान कर दिया, अगले कैमरे ने आपको कैप्चर कर लिया विदाउट हेलमेट, दूसरा चलान वहाँ हो गया। तो उससे बेहतर नहीं कि आप 2000 का अच्छा सा हेलमेट ले लें, आपकी सेफ्टी भी हो जाए, चलान भी नहीं होगा। एक ये भी है, चलान कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो ना रहा कहें सर, किसी खुश फैमिली में ना रहिएगा, पूरे लाहौर के कैमराज ऑन हो गए हैं। ये आपको तब पता चलना है जब आपके आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे और अपने लाइसेंस वो ई बिल्कुल चलान चेक एक करेंगे दोस्त ने चेक किया तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी चलानों की। बिल्कुल। तो सर ये इस खुश फहमी में ना रहिएगा कि कैमराज काम नहीं कर रहे, अब 100% कैमराज चल हमारे रहे एक्टिव हैं। है। जी मैं तो मोबाइल फोन नहीं सुन रहा, आपके पास क्या प्रूफ है कि मोबाइल फोन सुना? ये देखिए ये पड़ा हुआ है, वो इस चीज को मानेगा ही नहीं कि मैंने ये वायलेशन की है। हम मोबाइल चेक करें जरा, हमें चेक करवाएं। तो फिर वो कहते हैं नहीं, वो मेरी इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वो मेरे ऑफिस से मैं लेट हो गया था, बॉस की कॉल आ गई थी, कोई कह देगा मिसेस की कॉल आ गई, कोई कहेगा मेरा भाई हॉस्पिटल में है उसकी कॉल आ गई। ये आपने बिल्कुल 110% सही कहा कि वो बहस से बच जाते हैं। लेकिन सर कैमरास के चलान जो हैं वो आपको एकदम एक शॉक देते हैं। जो हमारी आपस में बहस होती है या हम एक दूसरे से, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जेन्युइन रीजंस होती हैं कुछ, तो उसको फिर जब हम अकोमोडेशन देते हैं तो वो इंसान उससे सीखता है कि नहीं, फिर वो उस ट्रैफिक रूल्स को नेक्स्ट टाइम फॉलो करता है। अब आपका अगर 8 बजे ऑफिस ऑन है तो आपने एग्जैक्ट 10 मिनट्स रहते होंगे जब घर से निकलना, और आपने कहना है कि अब मैं हवा के घोड़े पे सवार पहुंच जाऊं और मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन ना देखे, ना कोई पब्लिक मेरे रास्ते में आए और मैं चला जाऊं। मैम वो कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन वायलेशंस हैं जो आप देखती हैं लाहौर की सड़कों पे? सबसे मेजर जो वायलेशन है वो जो 3 सेकंड का डिफरेंस आता है ना, कि वो रेड से येलो होती है या ग्रीन से येलो होती है, वो जो येलो वाला मार्जिन होता है ना, हर मोटर बाइक राइडर होता है उसकी ये कोशिश होती है कि इन 3 सेकंड में मैं चल आ जाऊँ। इशू दूसरा, हमने कॉशनरी साइंस लगा दिए हैं अंडर पास का, तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे ड्राइवर्स हैं वो अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपने उस कॉशनरी साइन को देखें तो वो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। मैम साइंस कौन पढ़ता है यहाँ पे? यही तो बेसिक चीज प्रॉब्लम। है। और कितने का चलान होता है ये? मोबाइल फोन का 500 का चलान है ये तो बहुत होता होगा। सर, ये तो कुछ भी नहीं है, जो विदाउट लाइसेंस है 2000 का चलान है, विदाउट हेलमेट 2000 का चलान है। सर अगर आप किसी भी सिग्नल पे खड़े हो जाएं और 1 घंटा वहाँ ट्रैफिक को ऑब्जर्व करें तो आप यकीन जाने के मोर देन 1000 वायलेशंस वहाँ होती हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फिर हम उनको ब्रीफ करते हैं कि सर प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तो फिर हम उनको छोड़ भी देते हैं। 100% हम चलान नहीं करते, लेकिन लोगों में बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, टारगेट मिल गया है, अब तो चलान होना ही है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो वो बिल्कुल मतलब आप लोग अगर चलान एक करने पे आए तो आप तो FBR से ज्यादा पैसे बनाएंगे पाकिस्तान के 100%। सर अगर हम 8 आवर्स की हमारी ड्यूटी, अगर हमारा ये विजन हो कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है या लिए। हमने लोगों के साथ ज्यादती करनी है, तो उसमें फिर आप देखें कि 8 घंटे में मेरा ख्याल है 8000 से ज्यादा चलान हो जाए। सबसे ज्यादा कौन सा चलान होता है? इशू इशू कौन सा सबसे ज्यादा चलान होता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पहला अंडरपास है जेल रोड के अंडर, नीचे से जो निकल रहा है जी जी ये पूरा पाकिस्तान का पहला अंडरपास है, और ये फास्ट लेन में नहीं है। बाकी सारे अंडरपासेस जो है ना वो फास्ट लेन में है, ये स्लो लेन में है। तो एक टाइम आता है जब स्लो लेन वाली ट्रैफिक ऊपर जेल रोड की तरफ जा रही होती है, फास्ट लेन वाली नीचे जा रही होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा रीज़न आपकी नज़र में क्या है लाहौर में? लाहौर में वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, उन पॉइंट्स का क्या नाम है? जहाँ पे सर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन्हें हम ब्लैक स्पॉट के नाम से ठीक है जो है वो कहते हैं। लाइसेंस कैसे बनेगा? मैंने लाइसेंस बनवाना है फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूँ? मैंने पहले नहीं बनवाया हुआ, मैंने बनवाना है। लाइसेंस तो आप ये समझ लें कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है, एक गिफ्ट के तौर पे हम देते हैं। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम आपको एज अ गिफ्ट लाइसेंस देते हैं, बशर्त कि आपको ड्राइविंग आती हो। तो उसमें सर सिर्फ 1.5 मिनट का आपका साइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आप बैठ जाएंगे, अपना साइन टेस्ट मल्टीपल चॉइस होगी आपके पास, उसमें से आपने 5 नंबर लेने हैं, 10 में से तो आप पास हो जाएंगे। तो वो मोस्टली उसकी तैयारी कहाँ से हो सकती है? तो आपने 7 बनाया होता है एल शेप, सही एल शेप होती है 7, आपने स्ट्रेट जाना है और इसी तरह बैकवर्ड आना है, दैट्स इट। और इसके अंदर कितने चांसेस मिलते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठा हूँ, मैंने गाड़ी चलाई है और मैंने एक कोन को टच कर दिया, एम आई आउट कि मुझे एक और चांस मिल सकता है वहां पर? सर यू आर आउट, आई एम आउट।
क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप इन लोगों को देना चाहती हैं जो टेस्ट देंगे ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके आपके पास? वैसे मैं आपस की बात है कि अगर कोई अच्छा ड्राइवर है तो उसके लिए कोई भी टिप नहीं है, जितना आसान ये हमारा टेस्ट है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपने वक्त निकाला। आई अंडरस्टैंड कि ट्रैफिक पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा यानी हैवी ड्यूटी होती है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले आप अपना नाम, रैंक और अपना पुलिस डिपार्टमेंट बता दें प्लीज़। माय नेम इज़ फहमीदा जुशान, इंचार्ज एजुकेशन यूनिट, सिटी ट्रैफिक पुलिस, लाहौर। ज़बरदस्त मैम, लाहौर की ट्रैफिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है इंटरनेट पे भी और वैसे भी, तो ओवरऑल आपकी पोस्टिंग वैसे लाहौर में ही रही है? जी बिल्कुल, मैं 2006 में मैंने ज्वाइन किया था और तब से लेके ऑनवर्ड 18 ईयर्स हो गए हैं मैं लाहौर में पोस्टेड हूँ। ज़बरदस्त। एंड ट्रैफिक पुलिस की वैसे बाकी पुलिस से बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तो आप लोग कैसे डेवलप करते हैं ये चीज़, हालांकि आपकी आवाम के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन होता है हमारे लाहौर में वो ट्रैफिक पुलिस का ही होता है पब्लिक के साथ। उसकी रीज़न ये है कि हमने 9 मंथ का एक ट्रेनिंग कोर्स किया जिसमें हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि पहले सलाम फिर कलाम, तो ये हमारा वो बिहेवियर, वो हमारी ट्रेनिंग होती है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमसे अकीदत है लोगों की। ज़बरदस्त। तो मैम, हाउ इज़ लाहौर ट्रैफिक वाइज? ट्रैफिक वाइज लाहौर, हमें पता है कि बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, बहुत ट्रैफिक है ऑन द स्ट्रीट्स, स्मॉग भी अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल आप लाहौर की ट्रैफिक को किस तरह रेट करती हैं आउट ऑफ 10? मैं आउट ऑफ 10 8/10। 8/10, सही सही सही, यानी इतना ट्रैफिक के इश्यूज हैं, इतने ट्रैफिक है लाहौर में। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम रोड्स तो वही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है वो 3% इंक्रीज़ हो रही हैं एनुअली, तो उस लिहाज से अगर देखें तो पहले एक स्मूथ ट्रैफिक होती थी, लेकिन अब नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हो गए तो उस वजह से ज़्यादा कंजेशन होती है। तो उसमें मेन रोल जो है वो फिर ट्रैफिक पुलिस का होता है कि हमने वो कंजेशन भी नहीं होने देनी, लोगों को फैसिलिटेट करना। बेसिक हमारा जो मोटो है ट्रैफिक पुलिस का वो यही है कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, तो उसके साथ साथ हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली जो है वो पहुंच सके। सही। तो मैम, इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने हमारा जो चैनल है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हमने एक रिफ्रेशर भी चाह रहे थे आपसे कि हमें थोड़ा सा दोबारा से एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें ट्रैफिक रूल्स के बारे में। व्हाट आर द मेन मेजर रूल्स इन ट्रैफिक और उनकी वायलेशंस क्या है, यानी व्हाट आर द वायलेशंस और उनका वो क्या है, मतलब कि सज़ा क्या है उनकी? ओके, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू MVO और MVR हम तमाम जो रूल्स हैं वो हमने पाकिस्तान में जो अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग रूल्स ऑफ पाकिस्तान हम जिसको फॉलो करते हैं MVO और MVR है, उसके लिए हम तमाम आवाम को वक्तन फ़ौक्तन अपनी कंपेन्स में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंचार्ज एजुकेशन मैं हूँ, तो स्कूल कॉलेजेस हमारा स्टार्टिंग ही स्कूल है, प्ले ग्रुप से हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चों ट्रैफिक वायलेशंस में कौन कौन सी वायलेशंस आती हैं, अगर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुनते हैं तो कौन सी वायलेशन आएगी, सिग्नल वायलेशन कौन सी है और लेन लाइन की वायलेशन, तो हम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इस लेवल पे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने लेक्चर्स के थ्रू इसकी अवेयरनेस दे देते हैं कि आपने जब रोड पे आना है तो कौन सी रूल्स को फॉलो करना है, लेन क्या है और लाइन क्या है, उसका डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं। उसके अलावा फिर हम उनको ये बताते हैं कि आपने रोड पर जब जाना है एज अ पेडेस्ट्रियन जाना है, या आपके पास मोटर बाइक है, गाड़ी है, या कोई कमर्शियल गाड़ी आप चला रहे हैं या पब्लिक सर्विस व्हीकल चला रहे हैं, तो आपने रोड पे आपका कौन सी साइड का राइट है कि आपने कौन सी लाइन में जाना है। तो ये जो लेन लाइन का एक बेसिक चीज़, लेन लाइन अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए हमारी आवाम में तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारे एक्सीडेंट जो हैं उसकी रेशो को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा 18 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यही प्रोसेस चल रहा है कि हम डे फर्स्ट से जब प्ले ग्रुप में बच्चा आता है तो उसको हम ट्रैफिक लाइट्स का बताते हैं कि 3 लाइट्स हैं उसका क्या मतलब है, और फिर उस बच्चे को ये नाउ हाउ देते हैं कि लेन क्या है और लाइन क्या है।
मैम वो कौन से ऐसे मोस्ट कॉमन वायलेशंस हैं जो आप देखती हैं लाहौर की सड़कों पे? सबसे मेजर जो वायलेशन है वो मोबाइल फ़ोन लेन लाइन की वायलेशन लोग करते हैं, और जो मोटर बाइक जो राइडर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि मोर देन 60% जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, ये जो एक्सीडेंट कॉजेज़ हैं, ये मोटर बाइक जो चला रहे होते हैं वो लोग होते हैं। अब उनमें जो मेन जो मैं आप मेजर पूछ रहे हैं कि मेजर वायलेशन, वो है सिग्नल वायलेशन। वो जो 3 सेकंड का डिफरेंस आता है ना कि वो रेड से येलो होती है या ग्रीन से येलो होती है, वो जो येलो वाला मार्जिन होता है ना, हर मोटर बाइक राइडर होता है उसकी ये कोशिश होती है कि इन 3 सेकंड में मैं चल आ जाऊँ, जैसे उसने फ्लाई कर जाना, और उसको इतनी जल्दी होती है कि उसने उसी 3 सेकंड की वायलेशन में पहुँच जाना होता अपनी डेस्टिनेशन पे, जबकि उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक्सीडेंट की सूरत में होता है। ऑब्वियसली जब दूसरी साइड का सिग्नल जो है वो ऑन होगा तो वो लोग जल्दी में निकलने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में तो सारों की गाड़ियाँ होती हैं, तो जो मेजर वायलेशन है मोटर बाइक राइडर्स की वो है सिग्नल वायलेशन। वैसे जो कॉमन हम देखें लेन लाइन वायलेशन ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा सीट बेल्ट का बिल्कुल लोग यूज़ नहीं करते, हेलमेट बिल्कुल नहीं पहनते हैं बाइक चलाते हुए, मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन जो है ये कॉमन। आप उसकी एग्जांपल इस तरह भी ले लें कि आप भी घर में ज़ाहिर जब जाते होंगे तो फैमिली बैठी हुई है, हमारी LED ऑन है, आपका मोबाइल अपना होगा, बच्चों का अलहदा होगा, मिसेस का अलहदा होगा, हर बंदा अपने मोबाइल में। ये मोबाइल फ़ोन जो है इसको हमने अपनी ज़रूरत बना ली है। इवन देन कि हम किचन में जब काम कर रही होती है ना, तो हमारे पास मोबाइल ज़रूर होता है, चाहे वो हम अपनी सेल्फ़ी बनाएं या कोई टिकटॉक बनाएं। और इसके साथ बच्चों को आप देख लें, उनको अगर हम पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि बाबा मुझे लैपटॉप दे दें या मुझे मोबाइल दे दें, मैं गूगल से देख के इसको सर्च करके पढ़ लूँगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोगों ने भी स्टडी की है, हम लोगों ने अपनी टीचर से सीखा है, अपनी सीनियर से, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है, जैसे हम एक घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ड्यूरिंग ड्राइविंग हमारे वो तमाम काम, जैसे हम औरतें हैं तो अगर हम ड्राइव कर रहे हो तो हम कहते हैं चलो रास्ते में जाते हुए घर की जो बातें हैं गॉसिप फ्रेंड्स के साथ वो कर लें। इसी तरह मेल्स को याद आता है कि जो हमारे ज़रूरी काम है वो हमने ड्यूरिंग ड्राइविंग ही करने हैं, तो ये एक मेजर इशू आ रहा है वायलेशंस में। फॉर एग्जांपल जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं दौरान ड्राइविंग, उससे क्या आउटकम होता है? सबसे जो बेसिक उसमें इशू आता है वो आता है एक्सीडेंट का। जाहिर है जब आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, और अटेंशन जब डाइवर्ट होती है आपको नहीं पता कि आप कौन सी लेन में जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि पीछे से कोई आपको हॉर्न दे रहा है, रास्ता ले आपसे रास्ता मांग रहा है, आप अपने मोबाइल पे बिजी होते हैं। जो अटेंशन डाइवर्ट होती है आपकी वो मेन कॉज होता है एक्सीडेंट का, और दूसरे नंबर पे फिर ट्रैफिक कंजेशन का भी ये कॉज बनते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी धुन में वो मगन है, उनको नहीं पता कोई हॉर्न दे रहा है, कोई ट्रैफिक ज़्यादा जा रही है, तो वो ये भी नहीं कहेंगे कि हम लेफ़्ट साइड पे चले जाएं। वो जहाँ भी स्मूथली रहे होते हैं और जहाँ भी सेंटर वाली लेन में रहे होते हैं दोनों साइड की ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा मैम, अगर ये कोई यानी राइडर है, कोई ड्राइवर है, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने उसको पकड़ लिया, अब क्या होगा उसके साथ? अगर कोई राइडर मोबाइल फ़ोन, सबसे पहले तो वो अपना मोबाइल फ़ोन जल्दी से पॉकेट में डाल देगा, ठीक है, या साइड पे रख देगा, और हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, उसके बाद हम कहेंगे सर आपने वायलेशन की मोबाइल फ़ोन, मैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं सुन रहा, आपके पास क्या प्रूफ है कि मोबाइल फ़ोन सुना, ये देखें ये पड़ा हुआ है। वो इस चीज़ को मानेगा ही नहीं कि मैंने ये वायलेशन की है, तो ये एक कॉमन चीज़ आती है पब्लिक का। तो आप किस तरह डील करते हैं ऐसी चीज़ों से? फिर हम उन्हें कहते हैं सर आप अपना मोबाइल चेक करें, सर हमें चेक करवाएं, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं वो मेरी इमरजेंसी कॉल आ गई थी, वो मेरे ऑफिस से मैं लेट हो गया था, बॉस की कॉल आ गई थी, कोई कह देगा मिसेस की कॉल आ गई, कोई कहेगा मेरा भाई हॉस्पिटल में है उसकी कॉल आ गई, तो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। और फिर जब हम उन्हें कहते हैं कि सर आपने चूँकि वायलेशन की है आपका चलान होगा, देन वो फिर ये कहते हैं मैंने एक मिनट पहले अभी मैंने पकड़ा है हाथ में, आपने मुझे देख लिया, आप यकीन जाने मैं कभी ऐसे नहीं करता, मैं कभी वायलेशन नहीं करता, आपने अभी देख मैंने पकड़ा है तो आपने देख लिया, तो फिर वो माने या ना माने उनका चलान होता है। और हमारे पास भी फिर एक हम उनको बताते हैं कि वो कैमरास देखें सर, कैमरास सामने लगे हैं, उस कैमरा से आपको नोट किया कि आप पिछले जो सिग्नल है वहाँ से ही मोबाइल फ़ोन सुनते आते हैं, फिर वो बेचारा मान जाता है कि जी जी वाकई, क्योंकि उस फिर जब कैमरास हम कहते हैं कि कैमरास में हमने आपको देखा है तो फिर उसके पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं रह जाता, हाँ जी फिर उसका चलान हो जाता है। और कितने का चलान होता है ये? मोबाइल फ़ोन का 500 का चलान है। ये तो बहुत होता होगा सर, ये तो कुछ भी नहीं है, जो विदाउट लाइसेंस है 2000 का चलान है, विदाउट हेलमेट 2000 का चलान है,
तो जब वो 2500 में बहुत डिफरेंस है, 500 पे लोग रेजिस्ट तो करते हैं, चलान कोई भी हो उस पर रेजिस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी ज्यादती जो पब्लिक के साथ होती है वो कोई भी हमारा ऑफिसर उसको रोक ले, किसी वायलेशन पे रोकते हैं। ऐसा ट्रैफिक पुलिस का ये रूल है कि वो विदाउट वायलेशन किसी को बिला वजह नहीं रोकते। जब वायलेशन पे रोकते हैं तो सबसे बड़ी ज्यादती ये होती है कि ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोक लिया है तो अब उसका चलान होगा। और ट्रैफिक पुलिस हमेशा चलान नहीं करती सर। अगर आप किसी भी सिग्नल पे खड़े हो जाएं और एक घंटा वहाँ ट्रैफिक को ऑब्जर्व करें तो आप यकीन जाने के मोर देन 1000 वायलेशंस वहाँ होती हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फिर हम उनको ब्रीफ करते हैं कि सर प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, तो फिर हम उनको छोड़ भी देते हैं। 100% हम चलान नहीं करते, लेकिन लोगों में बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, टारगेट मिल गया है, अब तो चलान होना ही है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो वो बिल्कुल मतलब आप लोग अगर चलान करने पे आए तो आप तो FBR से ज़्यादा पैसे बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। 100% सर, अगर हम 8 hours की हमारी ड्यूटी, अगर हमारा ये विजन हो कि हमने रेवेन्यू इकट्ठा करना है या हमने लोगों के साथ ज्यादती करनी है, तो उसमें फिर आप देखें कि 8 घंटे में मेरा ख्याल है 8000 से ज़्यादा चलान हो जाए। सबसे ज़्यादा कौन सा चलान होता है, इशू कौन सा ज़्यादा चलान होता है? सर लेन लाइन, बेसिकली लोगों लेन लाइन जी वो है, यानी साइड लेन नहीं है, ये फ्रंट लेन है, ये इशारे वाली लाइन की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, लेन लाइन का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो रोड पे निशानात लगे होते हैं, रोड मार्किंग की होती है, उसको बोलते हैं लाइन, यानी जो खतूत खेंचे होते हैं वो लाइन होती है, जबकि दो लाइनों के दरमियान फासला लेन कहलाता है। लेन ऐसा रास्ता है जिसपे गाड़ियां चलती हैं, जैसे सड़क पे आपने देखा होगा 1, 2, 3 तीन लेन बनी होती है, वो जो व्हाइट कलर की लकीरें या निशानात लगे होते हैं उसको हम लाइंस कहते हैं, जबकि वो रास्ता जिसपे गाड़ियां चल रही होती हैं वो लेन होता है। ठीक है, तो, और जी ये जो डॉटेड लाइन है इन बिटवीन, ये क्या होती है? सर दो तरह की लाइन होती है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जो डॉटेड लाइन आप कह रहे हैं वो डिसकंटिन्यूस लाइन होती है। इसका ये मतलब होता है कि आप अपनी लेन को तब्दील भी कर सकते हैं और ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूस लाइन हो यानी स्ट्रेट लाइन जा रही है, उसमें डॉट ना हो, वक्फा ना हो, तो वहाँ से ना तो अपनी लेन को तब्दील कर सकते हैं और ना ही ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कहते हैं लेन लाइन का चलान सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हम किस चीज़ की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं? सर वो इन सारों की कि वो स्टॉप, जो हमने स्टॉप लाइन लगाई होती है उसकी वायलेशन करते हैं। स्टॉप लाइन होती है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, जब सिग्नल आपका ऑफ हो गया तो आपने उस कंटिन्यूस लाइन जो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले होती है उससे पहले खड़ा होना था। ठीक है, गाड़ी का आधा टायर जनाब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पूरी होता पूरी है। हो जाती है गाड़ी आगे। हाँ, वो मोटर बाइक वालों का जो मेन राइट होता है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी करना, वो बाइक खड़ी करना होता है। ठीक है, जबकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको भी पता है कि पैदल चलने वाले पे। ठीक है, एक तो ये वो फ्रंट वाली लाइन है, उसी का सबसे ज्यादा चलान होता है। जी एग्जैक्टली, और दूसरा ये कि आप मोटर बाइक, तमाम स्लो मूवर गाड़ियाँ, हैवी व्हीकल्स, उस स्लो मूवर्स में मोटर बाइक भी आती हैं, इंतहाई लेफ्ट साइड पे उनका है, जबकि वो जा रहे होते हैं सेंटर में या राइट साइड पे जा रहे होते हैं, या मोस्टली तो ज़िगज़ैगिंग करते हुए जा रहे हैं कि सिग्नल बंद होने से पहले हमने पहुंच जाना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक। तो जो लेन लाइन की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि मोटरसाइकिल, हैवी ट्रैफिक, PSV गाड़ियाँ लेफ्ट लेन में रहेंगी, सेंटर में जो हमारी डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं वो जो इंतहाई राइट साइड या फर्स्ट लेन है वो होती है इमरजेंसी गाड़ियों के लिए, ओवरटेकिंग के लिए। सही सही, जबकि आपके सामने सारी हकीकत है कि ट्रैफिक मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा ना वैसे सड़कों का भी प्रॉब्लम है, हम इस पर आएंगे थोड़ी देर में। ये इन दोनों का एक ही चलान है, एक ही यानी फाइन एक ही है दोनों का? जी बिल्कुल ऐसे। कितना है फाइन इसका? 500 फाइन है इसका। 500 फाइन है इसका। अच्छा, और नंबर 2 पे सबसे ज्यादा चलान क्या होता है? लाइसेंस ना होना, रोंग पार्किंग, हेलमेट विदाउट हेलमेट ट्रैवलिंग, और जो हम यूज करते हैं ब्लैक पेपर अपनी गाड़ियों पे, ये तमाम इनके 2000 फाइन है। अब चूंकि फाइन, मैं तो कहती हूँ कि ये कुछ भी फाइन नहीं है, ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फाइन नहीं है। हम आपकी ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहते हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि हम पैसे ले लें या हम फाइन ज़्यादा कर लें। हम बेसिक ये एक जो 2000 का फ़ाइन है, अगर एक बंदे का 2000 का फ़ाइन हो गया, और अब तो डिजिटल चलानिंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी स्टार्ट हो गई जनाब, कैमराज लग गए हैं और कैमरा के थ्रू चलान हो रहे हैं। मैंने चलान कर दिया, अगले कैमरे ने आपको
कैप्चर कर लिया विदाउट हेलमेट, दूसरा चलान वहाँ हो गया, तो उससे बेहतर नहीं कि आप 2000 का अच्छा सा हेलमेट ले लें, आपकी सेफ्टी भी हो जाए, चलान भी नहीं होगा। एक ये भी है, चलान कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा, तो ये बड़ा ट्रिकी सीन है। नहर के ऊपर सारे जो वो लगे हुए हैं सेफ सिटी वाले, उसके अंदर चलान वाले भी हैं बीच में, तो वो सारे काम नहीं कर रहे। डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर वाला कर रहा काम, बाकी दो तीन जो है ना बीच में है वो नहीं कर रहे काम। तो ये भी थोड़ा सा ना एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, बीच में पता नहीं चलता कि कौन सा कैमरा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। ना कहें सर किसी कुछ फैमिली में ना रहिएगा, पूरे लाहौर के कैमराज ऑन हो गए हैं। ये आपको तब पता चलना है जब आपके आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे और अपने लाइसेंस वो बिल्कुल चलान चेक करेंगे। एक दोस्त ने चेक किया तो काफी लंबी लाइन लगी हुई थी चलानों की। बिल्कुल, तो सर ये इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि कैमराज काम नहीं कर रहे, अब 100% कैमराज चल रहे हैं। जी बिल्कुल। कुछ सड़कों का भी प्रॉब्लम है, मैं लाहौर में रहा हूँ शुरू से, ये अब जो नहर है, नहर के ऊपर जो पहला अंडरपास है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पहला अंडरपास है, जेल रोड के अंडर नीचे से जो निकल रहा है, ये पूरे पाकिस्तान का पहला अंडरपास है, और ये फास्ट लेन में नहीं है। बाकी सारे अंडरपासेस जो है ना वो फास्ट लेन में है, ये स्लो लेन में है। तो एक टाइम आता है जब स्लो लेन वाली ट्रैफिक ऊपर जेल रोड की तरफ जा रही होती है, फास्ट लेन वाली नीचे जा रही होती है, तो वो एक बड़ा अजीब सा क्रिस क्रॉस बन जाता है बीच में, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स कॉज करता होगा। जी बिल्कुल, लेकिन आप ये देखें कि जो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिंगल जो है अंडरपास है जो कि लेफ्ट साइड पे, बाकी सारे उसी को देख के सब ने राइट साइड पे आगे जाके जो हुई है ना कंस्ट्रक्शन वो राइट साइड पे हुई है, वो उसको देख के हुई है क्योंकि स्लो एंड फास्ट ट्रैफिक जो है ना वो कोलाइड करती है बीच में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब तो तमाम यूज हो गए हैं, एज सच उसका नहीं है इशू। दूसरा, हमने कॉशनरी साइंस लगा दिए हैं अंडरपास का, तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छे ड्राइवर्स हैं वो अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपने उस कॉशनरी साइन को देखें तो वो उनके लिए बड़ा बेनिफिट है। मैम साइंस कौन पढ़ता है यहाँ पे, यही तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कह रही हैं। चीज़ है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर हम ट्रैफिक कंजेशन का भी बाइस बनते हैं, फिर हम एक्सीडेंट का भी बाइस बनते हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं कि जी अब जो है हमारे चलान्स हो रहे हैं। तो आप खुद देखें कि चलान्स हम अपनी वजह से तो नहीं करते ना, चलान इसलिए होते हैं कि आपकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रही है, आपकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, और आपकी खुद की ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है। तो एक दफ़ा अगर हम आपको थोड़ा सा सबक दे दें तो मेरा ख्याल है कि सबक हासिल कर लेना चाहिए। मैम मुझे तो लगता है ये ई चलान जो है ना ये बहुत अच्छा है। आप लोगों एक ही बात पर बहुत दफ़ा बहस करते होंगे, एक ही बहाना 500 दफ़ा सुनते होंगे एक जगह पर खड़े होकर, तो मेरे ख्याल में ये जो ई चलान है इससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता होगा, वो बहस जो है ना वो एनर्जी सेव हो जाती है आप लोगों की भी और उनकी भी। बिल्कुल, अभी इस टाइम जो है दोनों पैरेलल चल रहे हैं, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके थ्रू भी और हमारी डिजिटल चलानी भी। ये हमने बिल्कुल 110% सही कहा कि वो बहस से बच जाते हैं, लेकिन सर कैमरास के चलान जो हैं वो आपको एकदम एक शॉक देते हैं। जो हमारी आपस में बहस होती है या हम एक दूसरे से, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जेन्युइन रीजंस होती हैं कुछ, तो उसको फिर जब हम अकोमोडेशन देते हैं तो वो इंसान उससे सीखता है कि नहीं, फिर वो उस ट्रैफिक रूल्स को नेक्स्ट टाइम फॉलो करता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें वो जो बहस होती है ना बाज़ दफ़ा वो फ्रूटफुल होती है, काउंसलिंग हो जाती है साथ साथ। Exactly, सही कह रही हैं। अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा रीज़न आपकी नज़र में क्या है लाहौर में? रोड एक्सीडेंट, सबसे बड़ा एक्सीडेंट का रीज़न है ड्राइवर, उसकी नेग्लिजेंसी। देखिए तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या रोड होता है, या गाड़ी होती है, या ड्राइवर होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ में 100% ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, शीशे में ना देखना, इंडिकेटर ना देना, या इशारा तोड़ना, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि कॉज करती है द मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स? सिग्नल वायलेशन, लेन लाइन वायलेशन, ओवर स्पीडिंग, और जो कि कॉमन है जी जनाब, आपका अगर 8 बजे ऑफिस ऑन है तो आपने एग्जैक्ट 10 मिनट्स रहते होंगे जब घर से निकलना, और आपने कहना है कि अब मैं हवा के घोड़े पे सवार पहुंच जाऊं और मुझे कोई ट्रैफिक वार्डन ना देखे, ना कोई पब्लिक मेरे रास्ते में आए और मैं चला जाऊं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ओवर स्पीडिंग की, फिर उसके अलावा ये जो चीज़ है कि ट्रैफिक रूल्स का अगर हर बंदा अपनी लेन में रहे तो मेरा ख्याल है कि स्मूथली ट्रैफिक चलेगी और आप विद इन टाइम अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का हमारे पास फैशन नहीं है, हमारे पास फैशन है वायलेशंस का,
तो इस वजह से फिर वो सारों को जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये वैसे अजीब सी बात है मैम कि यहाँ पे वायलेशंस करते हैं और बाहर जाके उतना ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं वही लोग तो ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बिल्कुल समझ आती है जी। बाहर के ममालिक में देखें जब आप जाते हैं वहाँ सिविलाइज्ड इसलिए हो जाते हैं कि उतनी आपकी सैलरी नहीं होती जितना आपके चलान पेमेंट होती है, और बजाय इसके कि वो इसको अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान में हमने इतने चार्जेस नहीं रखे, वो कहते हैं कि चलो जी अब अगर इतना कमा के आ गए तो थोड़ा बहुत हम जो है ना यहाँ पे ज़ाया कर दें, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनकी वायलेशंस की वजह से वो कितनी जिंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, हम डिस्कस कर रहे थे लाहौर में वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, उन पॉइंट्स का क्या नाम है? जहाँ पे सर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन्हें हम ब्लैक स्पॉट के नाम से जो है वो कहते हैं। ब्लैक स्पॉट ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हमारे जीर रोड है, फिरोजपुर रोड है, माल रोड है, तो डिफरेंट सेक्टर्स हमारे बने हुए हैं, हर सेक्टर के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हमने नॉमिनेट कर दिया हुआ है, और वहाँ पर हमारी कोशिश होती है कि हमारी ड्यूटी भी हो, हमारे जो ट्रैफिक साइंस हैं अवेयरनेस लोगों को हो। जैसे मैं आपको एक कॉमन बताती हूँ कि टाउनशिप के एरिया में जमाल चौक एक ऐसा चौक है जो ब्लैक स्पॉट है, वो चार रोड्स इकट्ठी आती हैं और वो ब्लैक स्पॉट में लोग हर कोई तेज़ी में होता है, और ये कोशिश होती है कि मैं यहाँ से कट निकाल के तो निकल जाऊँ आगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हमने वहाँ पर साइंस लगा दिए हैं कि आप स्पीड स्लो करें, और फिर मोबाइल फ़ोन्स का लगा के क्रॉस कर दिया कि मोबाइल फ़ोन सुनना मना है। यानी हमारी कोशिश ये है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ पर हम लोगों को अवेयरनेस दे दें कि आगे ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो लोग अवेयर हों। ये जो फिरोजपुर रोड और जेल रोड आप कह रहे हैं ब्लैक स्पॉट, या पूरी फिरोजपुर रोड जेल रोड की बात करें कि कोई पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स सर यहाँ ये है कि जहाँ से ओवर फ्लाई ओवर एंड हो रहा होता है वहाँ पर ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं, अंडरपास का जहाँ पे एंड हो रहा होता है वहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि फ्लाईओवर से स्पीडली वो आते हैं तो वो स्पीड को कंट्रोल नहीं करते, जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो उसी स्पीड में जाते हैं और उसके साथ लिंक रोड्स चल रही होती हैं, तो लिंक रोड्स वाले भी ये नहीं देखते कि वहाँ से कोई तेज़ी से आ रहा होगा तो हम स्लो डाउन करके अपने राइट मिरर में उसको देख लें, तो ये रीज़न बनती है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर है ओवरऑल फिरोजपुर रोड ब्लैक स्पॉट। जो आपने जिन रोडों के नाम लिए हैं इसमें माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, कोइंसिडेंटली ये दोनों सिग्नल फ्री रोड्स हैं एंड पे कि ये इसका कोई लेना देना है एक्सीडेंट्स में? देखें माल रोड पे अभी सिग्नल्स हैं, फिरोजपुर रोड बिल्कुल वो सिग्नल फ्री है जी, जेल रोड भी ओवर हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं है तो वो ओवर स्पीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब चूंकि लिंक रोड्स मिल रही होती हैं, कट्स आते हैं, यू टर्न्स आते हैं, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब अवेयर तो होते हैं लेकिन इस चीज़ को बॉदर नहीं करते कि यहाँ पर यू टर्न भी है, यहाँ पे साइड लिंक रोड्स भी आ रही हैं, वो उसी स्पीड में जाते हैं फिर एक्सीडेंट का कॉज बनते हैं। ये यानी ब्लैक स्पॉट्स पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न जो है वो लेन चेंज होगा, लाइसेंस कैसे बनेगा? मैंने लाइसेंस बनवाना है फॉर एग्जांपल, मैं क्या करूँ? मैंने पहले नहीं बनवाया हुआ, मैंने बनवाना है लाइसेंस, तो आप ये समझ लें कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है, एक गिफ्ट के तौर पे हम देते हैं। आपने जस्ट अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके आना है और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे जो बूथ बने हैं, मोर देन 23 हमारे बूथ्स हैं, वहाँ पर तशरीफ़ लेके आएँ और अपना जो लाइसेंस है वो हासिल करें। हमारे 11 जो हैं वो टेस्टिंग सेंटर हैं, ठीक है, जो आपके नियरेस्ट है, जहाँ आपकी रेजिडेंस है वहाँ आप चले जाएं, आईडी कार्ड लेके, आपका लर्नर बना हो, उसके 42 डेज कंप्लीट हुए हों। सही है, यानी मैं जाऊँगा पहले फैसिलिटेशन सेंटर में जी, वहाँ जाके मैं अपना पहले मेरा लर्नर्स लाइसेंस बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 42 डेज बाद मैं दोबारा जाऊँगा जी, 42 डेज के बाद आपका लर्नर मेच्योर हो जाएगा, यानी आप एलिजिबल होंगे कि आप किसी दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। 42 डेज से लेके 6 मंथ तक का आपके पास टाइम है, किसी टाइम भी जाएं आप जाके टेस्ट दें अपने करीब तरीन टेस्टिंग सेंटर में। बिल्कुल सर, और हमारे उसके लिए कोई हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि वॉक इन है? नहीं नहीं सर, वॉक इन उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे कुछ सेंटर हैं जो 24/7 है,
बिल्कुल बाज़ुकात होते हैं, जैसे आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो या स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, उनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं, तो वो इवनिंग में या नाइट में जाके अपना लाइसेंस बना सकते हैं, टेस्ट दें, लाइसेंस बनवाएं, सब कुछ। टेस्टिंग फैसिलिटी भी है रात को? बिल्कुल सर, टेस्टिंग भी रात को, टेस्टिंग भी है। और टेस्ट क्या, आप ये समझ लें, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि हम आपको एज अ गिफ्ट लाइसेंस देते हैं, बशर्त कि आपको ड्राइविंग आती हो। तो उसमें सर सिर्फ 1.5 मिनट का आपका साइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आप बैठ जाएंगे, अपना साइन टेस्ट मल्टीपल चॉइस होगी आपके पास, उसमें से आपने 5 नंबर लेने हैं, 10 में से तो आप पास हो जाएंगे। तो वो मोस्टली उसकी तैयारी कहाँ से हो सकती है सर? वो आप ई साइन टेस्ट हमारा गूगल पे सर्च करें, वहाँ से आप एक सिंगल वीडियो देख लेंगे। ई साइन टेस्ट पंजाब ट्रैफिक पुलिस जी, ठीक है, वहाँ से आप वो वीडियोस देखें, अपनी तैयारी करें, मल्टीपल चॉइस है वो लोग। कितने क्वेश्चन है उसमें सर? 1.5 मिनट का टाइम होता है, 10 क्वेश्चन, उनमें से 5 के आंसर आपको करेक्ट करने पड़े। 1.5 मिनट में 10 क्वेश्चन करने जी, बिल्कुल, और आपने 5 दुरुस्त करने हैं और आपका टेस्ट पास हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद आप जाएंगे राइडिंग टेस्ट के ऊपर, फिर रोड टेस्ट होगा। रोड टेस्ट, और रोड टेस्ट पूरी दुनिया में सबसे आसान रोड टेस्ट हमारा पाकिस्तान का है। अच्छा, आप अगर अब्रॉड का आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि लाइसेंस कैसे मिलता है। बहुत मुश्किल, डिग्री मिल जाती है, लाइसेंस नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आपने 7 बनाया होता है, एल शेप, एल शेप होती है 7, आपने स्ट्रेट जाना है और इसी तरह बैकवर्ड आना है, दैट्स इट। सही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सही, और इसके अंदर कितने चांसेस मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठा हूँ, मैंने गाड़ी चलाई है और मैंने एक कोन को टच कर दिया, एम आई आउट कि मुझे एक और चांस मिल सकता है वहाँ पर? सर, यू आर आउट, आई एम आउट। अच्छा, और उसके बाद मुझे कितनी टाइम चांस आपको ये मिल सकता है कि अगर आप समझ रहे हैं गाड़ी बैक करते हुए कि पीछे कोन को टच हो जाएगी, तो आप सिंगल स्ट्रेट आपको एक ऑप्शन मिलती है, एक आपको चांस मिलता है कि आप आगे कर लें गाड़ी और फिर बैक करें, ठीक है, ये चांस है। और अगर 2 दफ़ा कर लें ये, तो फिर फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी वजह से फेल हो गया, या कौन को टच किया है, या मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया है मोड़ने की, अब क्या होगा सर? उसमें आप आफ्टर 15 डेज दोबारा टेस्ट है, एंड देन आई अगेन आई हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग वाला वही टेस्ट है। एग्जैक्टली, वही होगा। अच्छा मैम, हमारे ये भी बहुत ज़्यादा गूगल होता है कोई, क्योंकि आप इतने अरसे से ट्रैफिक पुलिस के साथ मुंसलिक हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप इन लोगों को देना चाहती हैं जो टेस्ट देंगे, ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके आपके पास? वैसे मैं आपस की बात है कि अगर कोई अच्छा ड्राइवर है तो उसके लिए कोई भी टिप नहीं है, जितना आसान ये हमारा टेस्ट है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो चलिए मैं आपको बताती जाऊँ कि एक बड़ा कॉमन सा ट्रिक है, हमारी कोन्स लगी होती हैं, जो टर्निंग कोन है उसको आप देख लें जाते हुए, वापसी पे आपने तकरीबन उस पर 6 इंच का मार्जिन रख के बैक करना है, जो ही आपका टायर उस टर्निंग कोन के पास पहुंच जाए, आपने अपना फौरन स्टीयरिंग टोटल जो है वो टर्न कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर छोड़ना है, कोई कोन टच नहीं होगी और आप टेस्ट पास कर लेंगे। ज़बरदस्त, अपनी गाड़ी ला सकते हैं टेस्ट में? जी बिल्कुल, आप ऑटो पर दे सकते हैं, मैनुअल पर अपनी गाड़ी ला सकते हैं, हमारी गाड़ी मैनुअल है, हमारे पास ऑटो नहीं है, लेकिन अगर आप ऑटो के ड्राइवर हैं तो आप लेके आ सकते हैं, ये फैसिलिटी है। अब मैंने टेस्ट दे दिया और मैं पास हो गया हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट में, तो मेरा लाइसेंस उधर ही इशू हो जाएगा, कितने दिन में आएगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस है? जी सर बिल्कुल, जो ही आपने टेस्ट क्लियर किया है आप जाएंगे, आपका PSID जनरेट होगा, जो ही आपने टेस्ट पास किया है आप जाएंगे ऑफिसर के पास, वो PSID आपको जनरेट करके देगा, आप अपनी लाइसेंस की फ़ी पेमेंट जो है वो पेमेंट करेंगे, पूरी तौर पे आपका लाइसेंस ऑनलाइन हो जाएगा, आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, विद इन 1 वीक बाय पोस्ट आपके घर आ जाएगा। अच्छा मैम, ये कितनी फीस है इसकी, लाइसेंस बनाने की और रिन्यूअल की? लाइसेंस बनाने की फीस जो है वो आप पे डिपेंड करती है, आप 1 ईयर का बना रहे हैं, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर का जो है 2500 में आपका लाइसेंस बन जाएगा मोटरसाइकिल मोटर कार का, और अगर आप 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो वो 8000 में आपका बन जाएगा। ज़बरदस्त मैम, एंड पे हम आवाम की तो बहुत शिकायत सुनते हैं पुलिस के हवाले से, आपको क्या आवाम से शिकायत है कोई, अगर आप अपनी दिल की बात कहना चाहें तो आज कह दें? सर आवाम से शिकायत तो है, क्योंकि आवाम अगर हमारे साथ कोऑपरेट करे तो मेरा ख्याल है कि हम 80% कामयाब हो जाएंगे अपनी ट्रैफिक फ्लो को जो है स्मूथ करने में। जो मेन हमें शिकायत है वो है नॉन सीरियस बिहेवियर पब्लिक का,
उसके साथ साथ जनाब अगर किसी वायलेशन पे हम रोक लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें रोका ही क्यों, ये ज़्यादती है। तो ये जो उनका हमारे साथ बिहेवियर, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेशन करें तो हम उनके लिए ही खड़े हैं। फिर जब कोई वायलेशन करता हो हम उनका चलान करते हैं तो उनके लिए एक्सक्यूज़ेस होते हैं। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना उसे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर आपने हेलमेट, मेरी मदर बीमार है हॉस्पिटल में है, मैं तो इमरजेंसी में निकला मैं इसलिए। अगर कोई मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं कहेंगे सर आप ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुन रहेंगे, वो कहेंगे इमरजेंसी में मुझे कॉल आ गई थी एक्सीडेंट हो गया किसी का। भाई जिसका एक्सीडेंट हो गया वो तो हॉस्पिटल पहुँच गया, आप भी पहुँच सकते हैं खुदा ना खास्ता। इसके अलावा फिर ये होता है कि जी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे पास पेशेंस की बहुत कमी है, सब्र तो है ही नहीं है ना, कि वो जो 3 सेकेंड का येलो है अगर हम वेट कर लेंगे तो अगला सिग्नल हमारे ही खुलना है। तो ये पेशेंस जो है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लेन है कि थोड़ा सा अगर सब्र कर लें तो दूसरे लोग भी महफूज, आप भी महफूज। उसके अलावा जनाब अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, भाई मैंने हेलमेट नहीं पहना आपने मुझे रोका, वो देखे हेलमेट नहीं पहना, वो देखे मोबाइल फ़ोन सुन रहा है, वो देखे सिग्नल वायलेशन कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी कॉमन सी हैं पब्लिक की जो हमें फेस करना पड़ती है। और सबसे बड़ी ये कि अगर किसी का कोई रेफरेंस हो या किसी अच्छी पोस्ट पर है और उन्होंने वायलेशन किया तो फिर तो थ्रेटिंग स्टार्ट। रोकने की जरूरत कैसे की मुझे, मैं बेल्ट उतरवा दूंगा, खुद आके चलान पे करेंगे, आपको आपको पता नहीं आपने किसको रोक लिया। मतलब ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। भाई हमारा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं, हमारा मकसद ये है कि ट्रैफिक स्मूथ चले, आप सेफ रहें। तो ये वो छोटी छोटी सी शिकायत हैं जो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी आवाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी, हमारा साथ दे, हमारे साथ कोऑपरेट करे, जो हम उनको हमारी डिफरेंट टाइम बाय टाइम कंपेन्स स्टार्ट होती हैं, कंपेन्स चलती हैं, तो हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि हम आपकी ज़िंदगियों को महफूज कर सकें। थैंक यू वेरी मच मैम।